यूक्रेन युद्ध से चालू हुआ आपका यूक्रेन युद्ध वाला, तो उसमें जो हम लोगों के रिफाइंड बाहर से आते थे, पाम ऑयल रिफाइंड से बाहर मलेशिया से आता था, कुछ चीज़ों में रिफाइंडों में तेजी आई, कुछ में मंदी भी आई है। जैसे सरसों तेल पहले से मंदा हुआ है, महंगाई पहले से 15-20% तो तेजी आई है। होली का महापर्व आने वाला है और इसी बीच देखा जा रहा है कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पे होती जा रही, जिसके चलते लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगे। इस समय हम रायबरेली जिले के सब्जी मंडी में मौजूद है एक थोक की दुकान पे, जहां आप देख सकते हैं यहां जो शुगर की भी थोक की दुकान है, बेसन की भी थोक की दुकान है और डालडा है या रिफाइनरी है वो उसी थोक की दुकान पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां पे कई प्रकार के जो ब्रांड हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक मूवी भी आई थी और जिसमें कहा गया था कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं, अब इस समय वो सचित्र हो रही है क्योंकि देखा जा रहा है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ थोक विक्रेता हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बीच होली के महापर्व के बीच कितनी महंगाई बढ़ी है, तेलों के दाम कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस होली के पर्व में तेल का और बेसन का कई ऐसे सामग्री हैं जो खाद्य सामग्री लगती हैं, लेकिन इस बीच वो महंगी हो गई हैं। आखिर क्या कितने दाम बढ़े हैं, इनसे हम जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गिरजेश शिकरिया। किस नाम से आपकी दुकान है यहाँ पर रायबरेली? श्री भोलानाथ शिकरिया फर्म है हमारी, सब्जी मंडी में। देखा जाए तो होली का पर्व है, एक हफ्ते बचे हुए होली के पर्व को, इस बीच महंगाई में तेल के दामों की अगर बढ़ोतरी की बात की जाए तो कितने दाम बढ़ गए हैं और पहले कितने दाम थे और क्या दाम? कुछ चीज़ों में रिफाइंडों में तेजी आई, कुछ में मंदी भी आई है। जैसे सरसों तेल पहले से मंदा हुआ है, पाम ऑयल रिफाइंड पहले से तेज हुआ है, सोयाबीन रिफाइंड पहले से कुछ मंदा हुआ है, चीनी मैदा अपने पुराने भाव पर चल रही है, कोई विशेष तेजी नहीं है, लेकिन महंगाई तो है ही है। क्या लग रहा है किन कारणों से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि देखा गया है बीच में कई तेल के दाम गिर गए हुए थे, लेकिन इस बीच होली का भी पर्व है, लोगों को कितनी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका भी आपकी भी फैमिली होगी, कितनी दिक्कतें होंगी इस बीच महंगाई? भाई, जैसे हम लोगों को ऊपर जानकारी मिलती है यूक्रेन युद्ध जब से चालू हुआ आपका यूक्रेन युद्ध वाला, तो उसमें जो हम लोगों के रिफाइंड बाहर से आते थे, पाम ऑयल रिफाइंड से बाहर मलेशिया से आता था, उसकी वजह से तेजी आई है और महंगाई हुई है। महंगाई पहले से 15-20% तो तेजी आई है, तेजी हुई है। ये आपके द्वारा जो दुकानदारों तक पहुंचता है, उसके बाद लोगों की जब घरों तक पहुंचता है, कितना उन लोगों को फर्क आता है, क्या महंगे रेट में होता है? क्योंकि देखा जाता है आप कुछ रेट में देंगे और जो दुकानदार होते हैं वो कुछ और रेट में देते हैं, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो क्या लग रहा है इसके क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है, MRP पड़ा होता है हर चीज़ उसमें, रिफाइंड में MRP से माल बिकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार अपने मनमर्जी से कोई रेट माल बेच सके, क्योंकि वो प्रतिबंध है अपने रेट से MRP के से, इसके ऊपर कोई आदमी कोई माल नहीं बेच सकता है। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी सामग्री जो होली के महापर्व में प्रयोग की? हमारे पास चीनी, मैदा, आटा, वनस्पति। चीनी के रेट और वनस्पति जो, चाहे वो डालडा हो चाहे घी हो, उनमें क्या रेट? चीनी में तो कोई खास तेजी नहीं आई, लेकिन वनस्पति पहले से काफ़ी तेज है, क्योंकि वनस्पति कोई चीज़ ऐसी थी जो बाहर यूक्रेन से आती थी, उसमें मिक्स होता था, वो आना बंद हो गया है, उसके वजह से यूपी माल तैयार हो रहा है, उसके वनस्पति में तेजी करीब 15-20% तेजी आई है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सरकार का काफ़ी हाथ होता है, चाहे वो महंगे इतना कि ये कितना असर डालता है महंगाई पर? नहीं, सरकार के इसमें कोई हाथ नहीं है, सरकार तो प्रयास करती है हमारे समय में सामान सस्ता बिके, कोई सरकार थोड़ी चाहती है कि हमारे समय में सामान महंगा बिके, उसका तो प्रयास है सस्ता सस्ता बिके, लेकिन उसके पास कोई चीज़ कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो क्या कर सकती है। पिछले वर्ष की होली की अपेक्षा इस बार की होली में क्या? पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तेजी भी है, लोगों को जैसे लोग पहले जो परचेज करते थे घरों में, हम लोग से लाते थे 5 किलो मैदा, अब 2 किलो 3 किलो मैदा से काम चलाते हैं, महंगाई का असर तो परिवारों में है ही है। जो लोग क्वांटिटी ज़्यादा लेते थे वो अब क्वांटिटी क्वांटिटी कम कर दी। इससे आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती है, क्योंकि महापर्व है और इसी बीच लोग कहते हैं होली आ गई या दीपावली जब पर्व होता है तो काफ़ी सामान ले आते, कितना आप लोगों को नुकसान होता है, फ़ायदा क्या? महापर्व की होली पर्व में जो है महंगाई की वजह से दुकानदारी हम लोग काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी कम है और उसका असर काफ़ी है। यूक्रेन का भी अभी आपने जिक्र किया था, तो यूक्रेन से आप लोगों के जो दुकान हैं इस पर कितना इफेक्ट है? यूक्रेन से मेन हम लोगों का जो एक ये पाम ऑयल आता था मलेशिया से, उधर से वो आना बंद हो गया है, उसका असर है इसमें, काफ़ी दिक्कतें हो रही है उससे। हमारे साथ थोक विक्रेता थे, जिन्होंने बताया कि इस बार लोगों को अपनी जेब को ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि नहीं चीज़ जो तेल है
अगर देखा जाए तो उसके दाम बढ़े, लेकिन सरसों के तेल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 5 रुपये कम हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत ज़रूर होगी। लेकिन देखा जा रहा है रिफाइनरी महंगे होने के कारण इस बीच त्यौहार में काफ़ी लोगों को दिक्कतें ज़रूर होंगी। केशव नंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।